सुशांत सिंह राजपूत मामले में सामने आए ड्रगंगल में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। मामले की जांच कर रहे एनसीबी कई लोगों को गिरफ्तार कर चुका है। हाल ही में एनसीबी की टीम ने अंधेरी इलाके में बने वाटर स्टोर रिजोर्ट में जाकर छानबीन की तो वहां पर एक बड़ा सुराग मिला। एनसीबी की टीम ने वाटर स्टोर रिजोर्ट में कई अहम जानकारियां जुटाई। इसके अलावा टीम ने नवंबर 2019 से लेकर जून 2020 तक का डेटा भी अपने कब्जे में लिया। एनसीबी के उन तमाम लोगों की जानकारी भी इकट्ठा कर रही है जो उस दौरान रिजोर्ट में आकर सुशांत सिंह राजपूत से मिले थे। दरअसल ये वही रिजोर्ट है जहाँ सुशांत सिंह राजपूत यूरोप टूर को छोड़कर वापस आकर इस रिजोर्ट में रुके थे। इस टूर पर सुशांत सिंह राजपूत रिया के साथ और उनके भाई शोविक चक्रवर्ती के साथ गए थे। ट्रिप के दौरान ही सुशांत की तबीयत बिगड़ने लगी थी। ये ट्रिप अक्टूबर 2019 में हुआ था। सुशांत के जानने वालों का कहना था कि यूरोप ट्रिप के बाद सुशांत काफ़ी बदल गया था और उनकी तबीयत खराब होने लगी थी। यहीं से सुशांत काफ़ी दवाई लेने लगा था। सुशांत ने अपनी एक डायरी बना रखी थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि वो ज़िंदगी में क्या क्या करना चाहते थे। इस लिस्ट में उन्होंने डिज्नीलैंड जाना भी लिखा था। यूरोप ट्रिप के दौरान सुशांत डिज्नीलैंड भी गए थे। खबरों की माने तो जब सुशांत सिंह राजपूत इस रिजोर्ट में रुके हुए थे तो एक फिल्म डायरेक्टर उनसे अक्सर आकर मिला करते थे। हालांकि ये कौन शख्स था इस बात का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन एनसीबी को कहीं ना कहीं लगता है कि सुशांत के हादसे और ड्रग एंगल के बीच इस शख्स का ज़रूर कोई ना कोई कनेक्शन है। एनसीबी जल्द ही इस फिल्म मेकर और रिजोर्ट्स में सुशांत से मिलने वाले लोगों से पूछताछ कर सकती है। नेक्स्ट 9 लाइव से रजनी की रिपोर्ट।